ये देखो आज एक मुरझाए फूल की तरह रात भर ये सोई नहीं है, गला दर्द हो रहा है इसका, बीपी लो हो रहा है इसके, तेल तूल लगाया गले पे, दवाई दी, अभी इसको मैं डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ। हिना की अचानक तबीयत बिगड़ी, ये हो गया हमारी टैगलाइन ब्लॉग की। चले हिना नहीं करते शुरुआत। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। और मैं रात भर से इतना परेशान हो ना, मेरे को इतनी वॉमिटिंग हुई, मेरा गला इतना पेन हो रहा है, पता नहीं इसने शाम को क्या खिला दिया था, वो मेरे को डाइजेस्ट ही नहीं हुआ। और मेरा ये जो वॉमिटिंग से ना, ये सारा इतना परेशान हो रहा है। अभी हम डॉक्टर के जा रहे हैं क्योंकि मेरे से ना कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। हाँ तो फिर ट्रैवल भी करना, हमने दिल्ली भी जाना है, गाड़ी में पूरा सामान डाल लिया। बॉडी को क्या हो गया? मेरा बीपी हो गया। दो दिन कॉफी नहीं पी, बॉडी डाउन है। तो एक काम कर, सुन कॉफी सारी खानी एक बार में, तीन 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 तीनों अलग अलग खानी है, एक एक तीन, कैसे तीन तरह की है। जो पाउच है ना, ये लेकिन इसे पीने में कैसे, गर्म पानी वो करवा लेंगे वहाँ से, दो तीन पाउच ले लो, करवा लूंगा बस। बहुत एक ये टेबलेट देना, एक ये टेबलेट दे। अच्छा ये कैसे, ये एक छोटे वाली गोली, एक बड़े वाली, ओके ये वाली। हाँ ये आधी लेनी है। हाँ ये आधी है, फिर बच्चे के हिसाब से दिया ना उन्होंने। किडनी है तो ओ ये ओ भाई साहब, ये वाली मेडिसिन दिखाई जाने की। नहीं नहीं ये खा ले, नहीं इसका तो रंग इतना गंदा होता है। ना ना कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट खा ले। और ये जहर की बोतल क्यों, ये बाद में जहर की बोतल, अगर ठीक नहीं हुई तो इस जहर से ठीक हो जाएगी। कैसे कर दिया ये लड़की, तीनों ले ली, पानी पी पूरा और वो भी ले, इसके बाद वो रेड वाली, बस रेड वाली दवाई पी ले। अब क्या वो अटक रहा? नहीं नहीं वो हो गया, सही थोड़ा सा पी ले। पीले पीले ये रंग वाले, ये लाल रंग है होली का, पीले ये क्या है? पीले ही ना, तो ड्रामे कर रही है। अरे वोमिट है शायद, पीले तू पीले, पूरी बकरी की वोमिट है पीले। हाँ आधी आधी आधी, भैया के नहीं जूते यार। कब आए साबड़ू? ठीक है मम्मी, ओके ओके बाय। तो गाइस हम लोग दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, तो सबसे मतलब मिल लिए जुलिए, काफ़ी इमोशनल वाला थोड़ा सा था, वो लगेगा एक दो दिन, पेरेंट्स को तो लगता ही है, बाकी वो लोग भी अब वो लोग आएंगे दिल्ली, तो देखते हैं यार, एक दो दिन तो मन नहीं लगने वाला। तो निशु का फिर फ़ोन बज गया, हमेशा बजता रहता है निशु। हेलो हमेशा की तरह है ना निशु, गड़बड़ करता है। हम लोग बाहर निकल चुके हैं, मतलब दिल्ली के लिए निकल चुके हैं, और अभी स्टिल घर से फोन आया है कि ये कीज लेकर आ चुका है, बात पहुंचने वाला, मैं चाबी दे के आया ना उसकी। ये देखो घर से निकल गया और स्कूटी की चाबी लेकर आ गया। वो तो शुक्र है कि हम लोग अभी 5 से 10 मिनट पहले ही निकले थे, तो बहुत ज्यादा रास्ता हम लोगों ने कवर नहीं किया।
गाड़ी फिर रुक गई, पेट्रोल खत्म हो गया तो निशु पेट्रोल भरवा रहा है। तो कल निशु का शूट है देहरादून में, राइट? ठीक है, तो इसलिए हमने एक भैया को पीछे पिक किया है। वॉशिंग मशीन की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना, लेकिन वो बहुत ज़रूरी थी लेके जाना, है ना? नहीं तो हमें दिक्कत हो जाती, नहीं तो हमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा मतलब मैनेज करना पड़ेगा, करेंगे मैनेज। कि पैसे लगाने पड़ जाते हैं। हाँ, मतलब घर पे एक एक्स्ट्रा तो मशीन रखी हुई थी, तो वो मतलब फिजूल का इन्वेस्टमेंट है। तो आज मेरा ना बीपी भी बहुत लो है, तो मैंने अपने उस चीज़ के लिए भी पूरा अरेंज कर लिया है। मैंने है ना डार्क चॉकलेट रख ली है और कुछ मतलब ये सब भी रख लिया है, लिमका वगैरह की बॉटल भी मैंने रख ली है ना निशु? मतलब यार अब तबीयत तो नहीं ख़राब होनी चाहिए, है ना? मेरे को भी बहुत शिवर शिवर सा फील हो रहा है। मेडिसिन भी ले ली, वो रखी हुई है यहीं पे। डार्क चॉकलेट से ना थोड़ा मेरा बीपी कंट्रोल में रहेगा, है ना? नहीं नहीं ज़रा नहीं, मैंने ना इमरजेंसी के लिए लिया है। मेरा थोड़ा बीपी जैसे डाउन होता जाएगा ना, मैं कंट्रोल कर लूँगी, क्योंकि है ना ट्रैवल बहुत है, बहुत लंबा है, दिल्ली जाना रही, मैं पंजाब में हूँ। क्या क्या लेना? खाली चिप्स लेने? हाँ चिप्स ले लेती हूँ, एक उन भैया के लिए भी ले ले। आपको चाहिए कुछ? मेरे को कुछ च्युइंगम ले ले, पाँच। लंच का टाइम हो चुका है, तो हम लोगों ने डोसे और नूडल्स वगैरह ऑर्डर किए हैं। तो आधी रात को मेरे को है ना नूडल्स खाने की क्रेविंग हुई थी, जब मेरी तबीयत ख़राब हुई थी ना उसके बाद। तो अभी हम लोगों ने नूडल्स वगैरह ऑर्डर किए हैं, तो अभी 10 मिनट लग जाएगा। कैसा है निशु? कर दिया है और निशु जल्दी से कार पार्क कर गया, गाड़ी पार्क करके आ गया। तो रात के 11:15 बज चुके हैं, 11:15 बजे हुए ना, 11:40 हो चुके हैं और काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। इतना सारा सामान फैला पड़ा है ना, वो मैं कल करूंगी। अभी हम लोग डिनर कर रहे हैं, इतना डिलीशियस है ना, इतना डिलीशियस है। चलो अभी गुड नाइट करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।